अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द प्री स्कूल आइडियाज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन लेकर आई हूँ। ये हमारा सेशन जिसमें हम बच्चों को सैंड पेपर कार्ड की एक्टिविटी बताएंगे, ठीक है। इसमें हम नंबर 2 को रिकग्नाइज़ करवाएंगे, आप किस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप बच्चों को इसके ज़रिए नंबर्स की जो है वो रिकग्निशन करवा सकते। ओके गाइस, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 पीरियड लेसन को यूज़ करेंगे। 3 पीरियड लेसन के थ्रू हम लोग नंबर 2 को रिकग्नाइज करवाएंगे, ठीक। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वी विल यूज़ 3 पीरियड लेसन। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, एंड द सेकेंड वन इज़ रिकग्निशन, एंड द थर्ड वन इज़ रिकॉल कन्फर्मेशन। इन फर्स्ट पीरियड लेसन टीचर विल डिलीवर द लेसन टू द चाइल्ड, ठीक है। टीचर क्या करेंगे, टीचर लेसन डिलीवर करेंगी स्टूडेंट को। लेट सपोज टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस नंबर 2, ठीक है। हम नंबर 2 का इंट्रोडक्शन देंगे, तो इसमें ये इंट्रोडक्शन के बाद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, को करिकुलर एक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बच्चों को हम मज़ीद रिकग्नाइज़ कराने के लिए, नंबर रिकग्नाइज़ कराने के लिए एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है, सैंड पेपर कार्ड की। इसमें आप इसकी सरफेस देख रहे हैं, बिल्कुल रफ़ सरफेस है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट जो है अपने 2 स्ट्रोक्स बनाएंगे। टीचर फर्स्ट इंट्रोडक्शन देंगी नंबर 2 का। किस तरह से 2 स्ट्रोक्स बनाएंगे हम, बिल्कुल इस तरह से, ये इस तरह से आप चाइल्ड को 2 स्ट्रोक्स जो है वो शो करेंगे, ठीक है। तो नंबर 2 को आप ट्रेस करना सिखाएंगे। लेट सपोज मेक अ सेमी सर्कल, मेक अ स्लैंटिंग लाइन, देन मेक अ स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे नंबर 2 को, ठीक है। द फर्स्ट लेसन इज, फर्स्ट पीरियड लेसन इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम इसी तरह 3 पीरियड लेसन को यूज़ करते हुए बच्चों को लेटर्स का, नंबर्स का और हरूफ़ तहजी का जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। और टीचर इसी तरह से 3 पीरियड लेसन को यूज़ करते हुए बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ वी कम्स ऑन सेकेंड पीरियड लेसन। सेकेंड पीरियड लेसन, इन सेकेंड पीरियड लेसन टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स, कैन यू शो मी वेयर इज़ द नंबर 2। ओके जी, हमारे सेकंड स्टेप में, रिकग्निशन के स्टेप में आप टीचर क्या करेंगे, टीचर नंबर्स को जंबल में रख लेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर्स को जंबल वे में जो है वो रख सकते हैं। इसमें आप नंबर्स को जो है वो जंबल में रख सकते हैं, ठीक है। ये अब इस तरह से देखें, आपने इनको जंबल में रख लिया, ठीक है। नाउ इन सेकेंड पीरियड लेसन टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स, कैन यू शो मी वेयर इज़ द नंबर 2, ठीक है। सो स्टूडेंट विल फाइंड द नंबर 2। अब सेकेंड पीरियड में क्या होगा कि टीचर स्टूडेंट से पूछेंगे, क्या आप मुझे नंबर 2 दिखा सकते हैं कहाँ पे है, क्योंकि आपने फर्स्ट में उन्हें इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप रिकग्निशन के लेसन में हैं, सेकेंड पीरियड के लेसन में, अब आपने बच्चों को बताना है। सो स्टूडेंट विल शो द नंबर 2। ओके, कैन यू प्लेस नंबर 2 ऑन माई पाम। टीचर कह सकती हैं, कैन यू प्लेस नंबर 2 ऑन माई पाम, ठीक है। सो लेट सपोज आई एम अ चाइल्ड, आई एम अ स्टूडेंट, सो आई विल पिक द नंबर 2 एंड आई विल प्लेस ऑन द पाम ऑफ माई टीचर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर 2 को अपने टीचर की पाम में, अपने टीचर के हैंड में जो है वो मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है, रख दिया। तो इससे ये साबित हुआ कि बच्चे को हमने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया है, टीचर ने बच्चे को नंबर 2 की जो है वो इंट्रोडक्शन दिया। ओके, तो इसके बाद हमारे पास है थर्ड पीरियड लेसन, ठीक है। थर्ड पीरियड लेसन में हम क्या करेंगे, द थर्ड पीरियड लेसन इज रिकॉल और कन्फर्मेशन। ओके, इन थर्ड पीरियड लेसन टीचर विल आस्क द क्वेश्चन टू द चाइल्ड, ओके स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दिस, विच नंबर इज़ दिस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट विल रिप्लाई, दिस इज़ नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, ओके गाइस, सो नाउ वी हैव कंप्लीट आवर लेसन, वी हैव कंप्लीट आवर सेशन टुडे। होपफुली आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी को इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ भी समझ नहीं आया, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली इन कमेंट बॉक्स। सो इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद माई न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।